कार ड्राइवर को ना किसी कानून का खौफ है ना ही किसी पुलिस का, ये हम नहीं कह रहे, लेकिन ये वायरल वीडियो तो कुछ यही कह रहा है। पहले तो मनमानी और रोको टोको, तो फिर गुंडागर्दी। कार ड्राइवर साहब बीच सड़क पर कार खड़ी करके सवारी ले रहे थे, जिसे पीछे ट्रैफिक जाम लगने लगा। ट्रैफिक पुलिस ने महाशय की मनमानी देखी और उसे गाड़ी हटाने को कहा, ये भी कहा कि चालान भी लगेगा। महाशय को ये बात हजम नहीं हुई तो ड्राइवर पुलिस वाले को कुछ दूरी तक घसीटता ले गया। पीछे बैठे घबराए लोग हड़बड़ाकर बाहर निकलने लगे, लेकिन महाशय को अपनी करतूत पर जरा भी संदेह नहीं आया। थोड़ी देर बाद होश आते ही गाड़ी को रोका। पुलिस वाले के साथ इस बदसलूकी का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर छा गया है। वीडियो काफी वायरल हो रहा है। दरअसल ये वीडियो फरीदाबाद के बल्लभगढ़ का है, जहां पर बीच रास्ते में रुकी कार से कागज मांगने पर ड्राइवर ने ट्रैफिक पुलिस वाले को ही घसीट दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसमें कार चालक की दबंगियाई दिख रही है। कार चालक को पुलिसकर्मी सड़क के बीचों बीच खड़ी गाड़ी को हटाने के लिए कहता है, साथ ही कहता है कि गाड़ी का चालान लगेगा। इसके बाद कार चालक ने गाड़ी चला दी और ट्रैफिक पुलिसकर्मी को घसीटता हुआ ले गया। इस बीच वहां मौजूद एक शख्स ने इस घटना का वीडियो बना लिया। मिली जानकारी के मुताबिक कार चालक बल्लभगढ़ बस स्टैंड के सामने बीच सड़क पर खड़ा था और सवारी ले रहा था। इस पर ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने उसे गाड़ी हटाने को कहा और गाड़ी के कागज मांगे। इस पर कार चालक और ट्रैफिक पुलिसकर्मी के बीच बहस होने लगी। इसी दौरान हाईवे पर मौजूद लोगों की जान जोखिम में डालकर कार ड्राइवर तेज रफ्तार में पुलिसकर्मी को रोड पर घसीटते हुए ले गया। लोगों के मुताबिक कार चालक अपनी गाड़ी में सवारियां बैठा रहा था। जब कार चालक ने गलत तरीके से गाड़ी चलाई तो सबसे पहले पीछे की सवारी उतरकर भाग गई। इसके बाद आगे की सवारी ने हैंड ब्रेक खींचा, जिससे गाड़ी रुकी और पुलिस कर्मी की जान बच पाई। बस अड्डा चौकी के इंचार्ज नीरज कुमार ने बताया कि शुक्रवार की शाम सब इंस्पेक्टर प्रेम प्रकाश ड्यूटी पर तैनात थे। इस दौरान एक कार बीच सड़क पर खड़ी थी, जिससे जाम लगने लगा। इसको लेकर प्रेम प्रकाश ने गाड़ी हटाने को कहा तो चालक ने दूसरे पुलिस कर्मी और प्रेम प्रकाश को कुचलने की कोशिश की। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।